कोरोना महामारी संक्रमण से आज जो स्थिति हमारे चारों तरफ हमारे देश के युवाओं व सभी मानव की है, वो एक तरीके से फायदेमंद भी हो रहा है। पर वहीं लॉकडाउन की वजह से लोग घर से रहकर शारीरिक तौर पर भरपूर आराम कर रहे हैं, परंतु यही लोगों को कोरोना काल के बाद भविष्य की स्थिति व उस स्थिति में जीवन यापन की कई प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर होती दिख रही हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कोरोना काल में बहुतायात समस्याओं के साथ लोग कुछ सुख व चैन के पल की तलाश भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में घर में योग की बात बताई थी व खुद को इस काल में मानसिक तौर पर भी स्थिर व संयम में रखने के लिए योग व संगीत को उत्तम साधन बताया है। कोरोना काल में क्वारंटीन हुए लोगों मरीजों में प्रयागराज के जगत तारिणी डिग्री कॉलेज की संगीत प्रोफेसर ऑनलाइन संगीत के माध्यम से मरीजों को मानसिक तौर पर मनोरंजन व संयम से काम लेने को प्रेरित कर रही हैं। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने संगीत व योग को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए दोनों की महत्वता को उजागर किया है तथा मन व मानसिक स्थिति के बोझ को कम करने के लिए संगीत सुनने व उसके अभ्यास को उत्तम बताते हुए लोगों को संगीत सुनने व रियाज करने के लिए प्रेरित किया है। जी बिल्कुल, म्यूज़िक थेरेपी का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान परिस्थिति में जो लोग क्वारंटाइन हैं वो अपने परिवार से भी दूर हैं और उनके मन में तनाव भी है, मानसिक तनाव भी है कि आगे चल के क्या होना है, फिर ये रोग ऐसा तो नहीं कि उनको और बढ़ जाए या जो भी तनाव है उनका। तो संगीत द्वारा हम अपने या दूसरों के भी तनाव को कम कर सकते हैं। और कहते हैं कि योगा करना चाहिए, तो योग और संगीत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप योग करिए तो आपका उससे आप स्वस्थ होंगे, और संगीत द्वारा अगर आप अपना रियाज करते हैं या ओमकार की ही सुबह ओमकार की साधना करते हैं तो भी आपका बहुत स्ट्रेस कम होता है। और जो लोग क्वारंटाइन हैं उनको मेरा मानना तो यही है कि संगीत का जो भी हम लोग लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आज के जो कलाकार हैं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत कराती हैं, तो हम सबका उद्देश्य यही होता है कि जो लोग अपने घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने परिवारों से दूर हैं या जो क्वारंटाइन हैं, जो भी पेशेंट हैं, उनको संगीत सुनाएं।
उनका मन भी थोड़ा हल्का होगा और मानसिक शांति मिलेगी। तो ये एक हमारा मात्र उद्देश्य संगीत चिकित्सा का ये होता है कि हम अपने संगीत द्वारा लोगों का उपचार कर सकें, उनको शांति दें। भी संगीत म्यूज़िक थेरेपी का ही उपयोग किया गया और उसके द्वारा उपचार किया गया। तो मुझे लगता है कि जब डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, और बाकी तो बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं कि कभी स्ट्रेस में होइए आप तो आप सूदिंग म्यूज़िक सुनिए तो आपको नींद अपने आप आ जाएगी, कभी आप बहुत परेशान होइए आप बहुत सुकून वाला गाना सुनिए, फिल्मी गाने सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्मी गाने सुनिए आप, उससे भी आपको शांति मिलेगी। भजन सुनिए, गज़ल सुनिए, सबके अलग अलग स्टाइल होती है और सबको जो आपका जैसा भाव हो उस चीज़ को आप सुनिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा और मेरा मानना है कि आपको ज़रूर मानसिक शांति मिलेगी इससे। क्वारंटाइन सेंटर पे रह रहे लोगों को सुख क्या फ़ायदा मिलेगा? उनका स्ट्रेस कम होगा। आप खुद सोचिए कि अगर मैं कोई गीत गाऊँगी तो मेरा दिमाग सब चीज़ों से हट जाएगा, दुनिया के सारे जितने भी टेंशन है सबसे दूर होके आप एक कनेक्ट होते हैं। अगर आप भजन सुन रहे हैं तो आप उस ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक माध्यम है कि आपको सारे स्ट्रेस से दूर करके आपको शांति प्रदान करता है। तो ये क्वारंटाइन सेंटर के लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है। कुछ ना हो तो आप अंताक्षरी ही खिलवाइए, अंताक्षरी खेलेंगे तो भी उनका एक दिमाग हटेगा। जो 24 घंटा क्वारंटाइन है खाली यही सोच रहा है कि बस बीमार बीमार बीमार, तो उसको कुछ तो संतुष्टि मिलेगी, कुछ तो सुकून मिलेगा। तो म्यूज़िक एक ऐसा उपचार है, संगीत चिकित्सा द्वारा आप ऐसा उपचार कर सकते हैं जिससे कि क्वारंटाइन लोग और सामान्य लोग भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। और आज के तो परिस्थितियों में तो सामान्य इंसान भी बहुत परेशान है, डरा हुआ है, तो आप कुछ ना करिए तो भगवान का भजन सुनिए, भगवान को भी याद करिए और अपना दिमाग भी आपका कनेक्ट होगा, आपका मानसिक शांति आपको उससे मिलेगी। तो संगीत बहुत अच्छा माध्यम है आपके सारे स्ट्रेस को दूर करने का। जी मैं डॉक्टर अंकिता चतुर्वेदी, मैं जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ म्यूज़िक वोकल की, और बाकी संगीत गायन के क्षेत्र में अपना जो भी योगदान हो सकता है वर्तमान परिस्थिति में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बराबर दे रही हूँ। और आप सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी अपने घरों में रहें।